दोस्तों मार्केट में पिछले कुछ समय से फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर कंटिन्यूअसली अपनी बिकवाली कर रहे हो दोस्तों। इसी बिकवाली के कारण आपको कई सारी अच्छी अच्छी मार्केट लीडिंग कंपनियां भी नीचे के भाव पे मिल रही है। तो दोस्तों हमारी पिछले कुछ समय से यही कोशिश है कि आपके लिए अच्छी मार्केट लीडिंग कंपनियां जो अपने ऊपरी लेवल से 30-40% गिर चुकी है वो लेके आए। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 9 कंपनियां आपको ऑलरेडी रिकमेंड की है, तो अगर आपने वो वीडियोस न देखे हो तो उन सारे के सारे वीडियो के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। और दोस्तों आज के वीडियो में भी एक ऐसी ही बेहतरीन मार्केट लीडिंग कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। एक एमएनसी कंपनी है, 100 साल से ज्यादा का कंपनी हेरिटेज लेके आती है और एक बहुत ही बेहतरीन जानी मानी हाउस होल्ड ब्रांड है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है वर्लपूल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों वर्लपूल से आप सभी लोग अवगत होंगे, भारत के किचन अप्लायंस और होम अप्लायंस मार्केट की बहुत ही जानी मानी प्रोमिनेंट ब्रांड है। कंपनी रेफ्रिजरेशन और वॉशिंग मशीन के मार्केट में तो मार्केट लीडरशिप भी रखती है। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्लपूल के बिजनेस के बारे में। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रिसेंटली ही वर्लपूल ने एक छोटी कंपनी को अक्वायर किया है और उसके माध्यम से कंपनी अब और भी ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को एक्सपांड करने वाली है, तो उसके बारे में भी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है जिसको आप जल्दी जल्दी बका के देख लीजिए, ये है इन्वेस्टमेंट वीडियो और यहां पे आपको ध्यान से बिजनेस समझना जरूरी है। तो मैं अनुरोध करूंगा वीडियो को पूरा देखिए और हम आगे बढ़े उससे पहले एक अनुरोध और रहेगा कि कई सारे जो हमारे व्यूअर हैं वो वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके लिए चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है बट उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। ये वीडियोस बनाने में बहुत समय और रिसर्च लगती है, तो अनुरोध रहेगा आप भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चर्चा करते हैं वर्लपूल के बारे में। सबसे पहले शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों एक बेहतरीन मिड साइज कंपनी है, तकरीबन कंपनी का मार्केट कैप है 18,200 करोड़ का। करंटली शेयर का भाव है 1438 रुपए का, 1900 का हाई भी कंपनी ने लगाया हुआ है। और दोस्तों 2021 में तो ये कंपनी 2700 के लेवल भी छू के आई है, तो वहां से तो कंपनी तकरीबन 50% नीचे आ चुकी है। क्योंकि एक एमएनसी कंपनी है तो कंपनी को वैल्यूएशन पहले से ही एक्सपेंसिव मिलता आ रहा है। करंटली भी कंपनी का P/70 का है और पिछले क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट भी थोड़े बहुत खराब आए थे क्योंकि पावर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट थोड़ा बहुत ऊपर गया था, इसलिए मार्जिन थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, इसलिए भी आपको वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव दिख रहा है। बट यहां से आगे जाके कंपनी का मार्जिन वापस इंप्रूव हो सकता है। और दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें आने वाले समय के अंदर कंपनी जो नए बिजनेस सेगमेंट में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है उससे भी आगे जाके कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, जिसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बुक वैल्यू तकरीबन 270 की है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, बैलेंस शीट में बहुत तगड़ा कैश भी है जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय तकरीबन 11 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा बहुत 9 के आसपास का है। फेस वैल्यू 10 है, थोड़ा लो लिक्विड शेयर है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर भी इसमें अपना इंटरेस्ट रखते हैं। प्रमोटर के पास तकरीबन 75% हिस्सेदारी है, जो यूएस की कंपनी है वर्लपूल कॉर्पोरेशन इसका प्रमोटर है। तो दोस्तों हम आगे बढ़े कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उससे पहले आपको बताना चाहेंगे अगर आप शेयर मार्केट में कैसे बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है वो सीखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं हमारा कोर्स ABC ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। दोस्तों हमने 20 चैप्टर का ये कोर्स खास नए इन्वेस्टर के लिए तैयार किया है जो समझना चाहते हैं कैसे बड़ी वेल्थ बनती है। कई सारे फंडामेंटल टॉपिक पे हमने इस कोर्स में चर्चा की और सिर्फ 399 में आप ये कोर्स ले सकते हैं। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है और अगर आप ये कोर्स अभी लेते हैं तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो के खत्म होते ही हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां पे स्टोर में जाके आप ABC ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों चर्चा करते हैं वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों वर्लपूल ऑफ इंडिया बहुत ही अगर आप देखें जानी मानी कंपनी है, तो इंट्रोडक्शन की तो कोई भी जरूरत नहीं है। कंपनी भारत के होम अप्लायंस मार्केट में पिछले कई सालों से बिजनेस कर रही है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव और बिल्ट इन स्मॉल एप्लीकेशन में कंपनी अपना बिजनेस रखती है और धीरे धीरे कंपनी नए नए SKU भी अपने बास्केट में एड करती रहती है। दोस्तों यहां से भी कंपनी के लिए आगे अच्छी खासी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
कंपनी के प्रोडक्ट थोड़े प्रीमियम लेवल पे आते हैं और यहां से प्रीमियमाइजेशन एक बड़ा थीम रह सकता है, तो उसके बारे में भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी भी भारत में एसी का पेनिट्रेशन, रेफ्रिजरेटर का पेनिट्रेशन कम है, तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी आगे भी बढ़ी रहेगी कई सारी कंपनियों के लिए। सबसे पहले वर्लपूल के प्रोडक्ट बास्केट के बारे में चर्चा करें। वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, कंपनी अलग अलग प्रकार के रेफ्रिजरेटर कई सारे प्रोडक्ट ऑफर करती है और यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती रहती है। उसके बाद कंपनी अलग अलग प्रकार के, अगर आप देखें तो वॉशिंग मशीन के डिश वॉशर, ये भी एक बड़ा मार्केट है भारत में, अभी भी बहुत नेशन स्टेज पे है, बट डिश वॉशर का मार्केट भी आने वाले समय के अंदर तकरीबन आने वाले 5-10 सालों के लिए 30 से 35% के सीएजीआर से ग्रो कर सकता है, ऐसी मार्केट की उम्मीद है। दोस्तों बहुत ही लो बेस है करंटली, तो डिश वॉशर का मार्केट भी आगे एक्सपांड हो सकता है और वहां पे भी वर्लपूल के पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। वाटर प्यूरिफायर में भी कंपनी अपने प्रोडक्ट रखती है, अलग अलग प्रकार के माइक्रोवेव भी कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद कंपनी लॉन्ड्री सेगमेंट में अलग अलग प्रकार के वॉशिंग मशीन के भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे भी कंपनी के पास आगे अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। भारत में अभी भी वॉशिंग मशीन का भी पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। एयर कंडीशन सेगमेंट में भी कंपनी के पास कई सारे रेंज के अलग अलग प्रकार के एसी के प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी कंपनी अच्छा खासा अपना बिजनेस आगे भी बढ़ा सकती है। भारत में एसी का पेनिट्रेशन सबसे कम है बाकी सारे बड़े अगर आप देखें डेवलपिंग कंट्री के सामने, तो ये भी एक फ्यूचर में बड़ा मार्केट कंपनी के लिए बन सकता है। और दोस्तों जैसे हमने चर्चा की, वर्लपूल ने रिसेंटली ही एक छोटी कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज किया और अब वो कंपनी वर्लपूल की सब्सिडी कंपनी बन चुकी है। दोस्तों कंपनी ने एक बेहतरीन होम अप्लायंस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी एल्का नाम की एक कंपनी है जो प्रीमियम सेगमेंट में काम करती है, वहां पे अपना स्टेक इंक्रीज किया और अब वर्लपूल इस कंपनी में तकरीबन 87% के आसपास का स्टेक रखती है, तो वर्लपूल की ये अब सब्सिडी कंपनी ही बन चुकी है। तो ये अगर आप देखिए अलग अलग प्रकार के हाई एंड होम अप्लायंस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, इसके माध्यम से वर्लपूल अपने प्रोडक्ट बास्केट को होम अप्लायंस सेगमेंट में और भी एक्सपांड कर सकता है। दोस्तों ये कंपनी अलग अलग प्रकार के किचन हुड्स के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, ये अगर आप देखें छोटा मार्केट है बट भारत में ये मार्केट भी धीरे धीरे बहुत ही फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें फ्यूचर में वर्लपूल के लिए इस सेगमेंट में बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इसके अलावा बिल्ट इन होब्स, ये भी एल्का बनाने का काम करती है, ये भी प्रीमियम प्रोडक्ट है जहां पे कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है, तो ये हाई मार्जिन बिजनेस जो कंपनी ने अगर आप देखें रिसेंटली ही एंट्री ली है और वर्लपूल के पास एक बड़ा नेटवर्क भी है, तो उसका फायदा भी इसको मिलेगा और इसके माध्यम से वर्लपूल अपने नेटवर्क और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बिजनेस को और भी बड़ा बना सकती है। एक नए सेगमेंट में कंपनी अपने कई सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, तो यहाँ पे वर्लपूल का इस बिजनेस के कारण भी आगे फ्यूचर में ग्रोथ बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों यहां से क्यों वर्लपूल में आपको निवेश करना चाहिए? दोस्तों भारत में अभी भी अगर आप देखें कंज्यूमर अप्लायंस का मार्केट बहुत ही छोटा है, धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो लोग अलग अलग प्रकार के स्मॉल मीडियम अप्लायंस खरीदेंगे। करंटली अगर आप देखें ये मार्केट तकरीबन 10 USD बिलियन के आसपास का है और आने वाले 5 से 7 साल में तकरीबन 21% सीएजीआर से अप्लायंस का मार्केट और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट ग्रो कर सकता है, तो ये मार्केट आगे भी बड़ी ग्रोथ दिखाने का उम्मीद रखता है। दोस्तों पेनिट्रेशन के बारे में चर्चा करें तो हाउस होल्ड ओनरशिप में मोबाइल का तो पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट 100% हो चुका है, फैन सेगमेंट में भी तकरीबन 90% पेनिट्रेशन है भारत में, टीवी में भी बड़ा पेनिट्रेशन है, बट उसके बाद अगर आप देखें रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में अभी भी सिर्फ 40% का पेनिट्रेशन है, एसी सेगमेंट में 25% का पेनिट्रेशन है, वॉशिंग मशीन में तो सिर्फ 19% का पेनिट्रेशन है। तो हाउस होल्ड ओनरशिप एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर में अभी भी बहुत कम है और ये तीन बड़े सेगमेंट ही है वर्लपूल के, तो वर्लपूल यहां से इन तीन सेगमेंट में तो मार्केट लीडरशिप रखता है और आगे भी धीरे धीरे कंपनी अपना मार्केट में मार्केट शेयर गेन करती रहेगी। और इसके अलावा ये जो किचन हॉब्स है, डिश वॉशर है, ये तो बहुत ही छोटे मार्केट है, 1% कम का पेनिट्रेशन होगा तो ये तो और भी फास्ट ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है। और दोस्तों जैसे हमने चर्चा की यहां से भारत में जो पर कैपिटा जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, हाउस होल्ड इनकम है, वो धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है। करंटली भारत में पर कैपिटा इनकम तकरीबन 3,000 USD के आसपास की है और आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये अगर आप देखें तकरीबन 5,000 USD के आसपास पहुंच सकती है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो आपका बेसिक कोर्स सेम रहता है, बट अगर आपका इनकम बढ़ता है तो उसका जो डिस्पोजेबल पोर्शन होता है वो बढ़ जाता है। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो लोग अलग अलग प्रकार के होम अप्लायंस खरीदेंगे, इसके अलावा अगर आप देखें 2-व्हीलर 3-व्हीलर के भी मार्केट में ग्रोथ आ सकती है, तो यहां से
भारत में पर कैपिटा इनकम तो बढ़ने वाली है और उसका फायदा वर्लपूल जैसी कंपनी को आने वाले 3-5 साल में मिल सकता है। यहां से वर्लपूल के लिए कहां कहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों जैसे हमने चर्चा की, भारत में अभी भी होम अप्लायंस का जो पेनिट्रेशन है बाकी सारे मार्केट के सामने बहुत ही कम है, तो यहां पे अभी भी ग्रोथ की उम्मीद आप कर सकते हैं, इसलिए वर्लपूल को प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिलता है। और दोस्तों डेमोग्राफी का भी भारत के पास एडवांटेज है, भारत में बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है, तो आने वाले सालों में ये यंग पॉपुलेशन वर्कफोर्स में आएगी और उसका फायदा भी कई सारे ऐसे कंज्यूमर अप्लायंस कंपनी को मिलेगा और लोगों के एस्पिरेशन वैल्यू भी बढ़ती जा रहे हैं, तो उसके कारण भी वर्लपूल जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों कंपनी ने एलेगा एफपीबी इंडिया नाम की जो ये कंपनी है उसमें 87% स्टेक खरीदा है, पहले तकरीबन 30% का स्टेक रखती थी और पिछले साल ही कंपनी ने अपना स्टेक इंक्रीज किया और अब एलेगा पीबी कंपनी की सब्सिडी कंपनी बन चुकी है। और अब वर्लपूल का जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा एलेगा पीबी को मिल सकता है। और इवन वर्लपूल की जो पेरेंट कंपनी है वर्लपूल कॉर्पोरेशन, वो ग्लोबल स्तर पे काम करती है, तो शायद वर्लपूल इंडिया से ये जो अलग प्रकार के किचन होब्स है और दूसरे प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करके बाहर के मार्केट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी बन सकती है कंपनी के लिए। और इसके साथ साथ वर्लपूल की जो पेरेंट कंपनी है टेक्नोलॉजी में भी इस कंपनी को सपोर्ट करती है, तो उसका फायदा भी कंपनी को मिलता रहता है। दोस्तों वर्लपूल के पास करंटली बैलेंस शीट में 1500 करोड़ का कैश भी है, तो एक अच्छा खासा कैश रिजर्व कंपनी के पास है, तो फ्यूचर में भी अगर कंपनी को कोई ऐसी छोटी कंपनी अक्वायर करनी हो तो कंपनी के पास कैश अवेलेबल है जिसको कंपनी यूज कर सकती है। दोस्तों 52 वीक हाई से 25% करेक्शन शेयर दिखा चुका है, और अगर हम 2021 का हायर लेवल देखें 2787 का, तो वहां से तो 50% नीचे आ चुका है वर्लपूल का शेयर वैल्यूएशन। यहां से थोड़ा अगर आप देखें नीचे आएगा, क्योंकि जो अगर आप देखें रिसेंटली ही पॉलीकैब और हेवल्स के नंबर आए और दोनों के दोनों कंपनियों ने बेहतरीन नंबर पोस्ट किए और सिमिलर सेगमेंट में ही कंपनियां काम करती है, तो यहां से आप वर्लपूल के भी Q3 के नंबर अच्छे उम्मीद कर सकते हैं। तो यहां से अगर वर्लपूल के नंबर अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लेवल पे आ जाएगा और बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर का इंटरेस्ट तो इस कंपनी में हमेशा से रहा है, तो यहां से दोस्तों आप 5 साल के अवधि के लिए वर्लपूल को कंसिडर कर सकते हैं करंट लेवल पे। मे भी थोड़ा बहुत और भी नीचे मिले तो वहां पे धीरे धीरे इसमें अपना बाइंग कीजिए और आने वाले 1 साल में ये कंपनी आपको 1830 का लेवल दिखा सकती है, 3-5 साल बने रहेंगे तो यहां से वर्लपूल फिर से आपको अच्छी खासी ग्रोथ बना के दे सकती है। और दोस्तों इसके अलावा भी हमने कई सारी ऐसी बेहतरीन कंपनियां जो नीचे आ चुकी है उस पर वीडियो बनाए हुए हैं, तो उन सारे के सारे वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, वो वीडियो देखिए और मार्केट लीडिंग कंपनियों का पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। दोस्तों ये समय है निवेश करने का, रिटर्न आपको 1-2 साल बाद मिलेंगे, करंटली निवेश पे ध्यान दीजिए, अच्छी ग्रोथ देने वाली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखने वाली कंपनियों में निवेश कीजिए और लंबे अवधि के लिए बने रहेंगे तो ये कंपनी आपको बड़ी वेल्थ बना के दे सकती है। दोस्तों यहां तक अगर आप आ गए हैं तो मेरा अनुरोध रहेगा आपसे कि वीडियो को और चैनल को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।